सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। भावें कि किसानां दे वल्लों दिल्ली दे बार्डरां ते पिछले लगभग एक साल तो केंद्र सरकार दे खिलाफ अंदोलन चलाया जा रहा है, पर जदों भी सरकारां दे वल्लों कोई अजिहा फैसला लिया जांदा है जिहड़ा किसानां नूं मंजूर नहीं हुंदा है, उस दे लई कोई वक्खरा प्रोग्राम किसानां दे वल्लों उलीक दित्ता जांदा है। पंजाब अते हरियाणे दे विच 1 अक्तूबर तो झोने की सरकारी खरीद शुरू होनी सी, पर ऐन मौके ते आके केंद्र सरकार दे वल्लों दोनों सूबियां दीयां सरकारां नूं एक चिट्ठी पा दित्ती गई कि 1 अक्तूबर दी थां हुण 11 अक्तूबर नूं केंद्र सरकार दे वल्लों सरकारी खरीद झोने दी शुरू कीती जावेगी। इह फैसला बिल्कुल किसानां नूं गवारा नहीं गुजरिया अते उन्हां ने सीधे तौर ते केंद्र सरकार दे उत्ते इह इल्जाम ला दित्ते कि बदलाखोरी दी नीति तहत केंद्र सरकार दे वल्लों इह फैसला लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चे दे विच एक फैसला लिया गया कि हरियाणे दे विच बीजेपी दे संसद मैंबर अते विधायकां दे घरां दे बाहर पक्का मोर्चा लाया जाएगा, पक्के धरने ला दिते जाणगे उन्नी देर तक जिन्नी देर तक यह खरीद शुरू नहीं की जाती है। नाल ही फैसला लिया गया कि पंजाब दे विच कांग्रसियां दे नाल ही कुछ होएगा, पंजाब दे विच कांग्रसी संसद मैंबर अते विधायकां दे घरां दे बाहर उन्नी देर तक दे लई पक्के मोर्चे ला दिते जाणगे, पक्के तौर ते धरना ला दिता जाएगा जिन्नी देर तक सरकारी खरीद शुरू नहीं की जाती है। अते हुंदा भी कुछ अजिहा ही दिखाई दिता। सब तो पहला पंजाब की गल करते हैं, पंजाब के लगभग हर एक कांग्रसी विधायक अते संसद मैंबर दे घर दे बाहर किसानां दे वल्लों मोर्चा ला लिया गया, पर जेकर गल करिए पंजाब दे खेड मंत्री प्रगट सिंह दी तां जलंधर दे विच उन्हां दे घर दे बाहर भी किसानां ने धरना लाया, प्रगट सिंह बाहर आ गए, पर प्रगट सिंह दे वल्लों एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट बयान इस सारे घटनाक्रम नूं लैके दे दिता गया। वह कहिंदे ने कि सारा कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह दी शरारत है। वह किवें प्रगट सिंह दा बयान सुनाउणा तुहानूं बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार की चिट्ठी करके सानू ओदे ते वादा हैगी आ, इस करके नहीं असी कर रहे, नहीं तो होर साडू असी तो वी आर रेडी, बारदाना बिल्कुल तैयार पिया, हर चीज़ तैयार पई हैगी आ, लेकिन ये शरारत हुई आ। और शरारत भी मैं तुहानू दसदा कि साडे जिहड़े पुराने चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह आ ना, वो जदों जाके दिल्ली मिल के आए आ, शरारत उदों बाद हुई आ। और ये बिल्कुल जान बुझ के होया, और क्योंकि पिछले समय दे विच भी क्योंकि ये क्यों नहीं हो सकता सी, और ये मेरा ख्याल है भी केंद्र सरकार नूं इदां दा रवैया अपनाउणा नहीं चाहिए, तां कि साडा पहले ही किसानां दा बहुत वड्डा कसूर होया, हुण दुबारा जिहड़ा कसूर। मनशा तां मैनूं ये सच्ची गल आ, पोलिटिकल जी मनशा नज़र आउंदी आ। कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी बनाउणी चाहुंदे आ, बैकग्राउंड ते बीजेपी आउणा चाहुंदी आ। हौली हौली जिहड़ी बिल्ली आ ना, जिहड़ी मैं पहलां कहिंदा हुंदा सीगा भी कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी नाल रलिया होया, उह लगभग हौली हौली सामने आ रही है। भावें कि पंजाब सरकार दे विच मंत्री प्रगट सिंह दे वल्लों साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भाजपा दे नाल मिलिया होया दस दिता गया है, अते सारी शरारत कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कह दित्ती गई है, पर विरोधी पार्टियां दोनों सरकारां नूं घेरे दे विच लैंदियां दिखाई दिंदियां ने। आप पंजाब दे प्रधान संगरूर तों संसद मैंबर भगवंत मान काफ़ी देर बाद पंजाब दे पत्रकारां दे मुखातिब होए अते ये सारे झोने की खरीद वाले घटनाक्रम नूं लैके उन्होंने दोनों सरकारां नूं लपेटे दे विच लै लिया है। कहिंदे ने पंजाब सरकार भी जिम्मेवार है अते केंद्र सरकार भी, वह किवें भगवंत मान दे मूहे तुहानूं सुणा दिंदे आ। एक पासे आमदन दुगनी करन दीआं गल्लां ते दूजे पासे फसल खरीदण तों पुत्तां वांगू पाली हुई फसल उन्हूं खरीदण तों मुकरना, यह किते ना किते बदलाखोरी की भावना है। ये दोवें सरकारां जिहड़ियां ने सेंटर दी ते पंजाब दी, जे किते नीयत साफ होवे तां आ दिन ना देखणे पैण। चन्नी साहब कृपा करके हैलीकाप्टर की चाबी जिहड़ी है वह आपदे जिहड़े किसे अलमारी लमूरी च रख दो, क्योंकि उन्हूं दूजे दिन दिल्ली बुला लैंदे ने, उत्थों पता नहीं की करके आउंदे ने, फिर इधर नूं आ जांदे ने, फिर रात नूं कहिंदे दिल्ली आ जा। तो किसान मरी जांदा है, वह पहले ही आपकी जी फसल है वो आपदी जमीन प्रति वह चिंतित सी, हुण उहदियां जिहड़ियां आपदियां जमीनां ते उगाई हुई फसल है वह भी जिहड़ी है वह जिहड़ी है जिहनूं कहिंदे आ कि आपां कौडियां दे भाव जिहड़ी है बेचण ते मजबूर कर रहे। जिस तरह भगवंत मान दे वल्लों दोनों सरकारां नूं जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, अज सुखबीर सिंह बादल बीते दिन ही यह सारा कुछ कर चुके ने। उन्होंने पंजाब दे वख-वख मंडियां दा दौरा किया,
चंडीगढ़ दे विच फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया दे दफ्तर दे विच झोने की ट्राली लैके पहुँच गए सन सुखबीर सिंह बादल। उन्होंने सीधे तौर पर चन्नी सरकार नूं जिम्मेवार दस दिता सी। सुखबीर बादल का मानना है कि पंजाब सरकार दे कोलों प्रबंध पूरे नहीं हुए सन। इन्होंने केंद्र सरकार नूं कहा कि दस दिन लेट कर दिओ। सुखबीर बादल का बयान भी तुहानूं सुना दिंदे आ कि फसल पहुँच गई है, खून जान के उत्ते पई रहूगी, रुलूगी, नुकसान होगा किसान का, फिर कला कट्ठा प्रेशर पेगा, उसके बाद फिर तो खरीदी जानी नहीं। सो असी एफ सी आई कोले जो दफ्तर है उत्थे ट्राली लेके आए हैं, झोने की ट्राली दसन वास्ते कि जोड़ा बहाना लाया तुम रल के पंजाब सरकार नाल कि मॉइस्चर ज्यादा है। बिल्कुल मॉइस्चर ज्यादा नहीं, मॉइस्चर जिनी रिकमेंडेड है वो तो घट मॉइस्चर है। किसी मर्जी मंडी जाके देख लो, एक सैंपल असी नाल लेके आए हैं एफ सी आई दिखाउण वास्ते। आ सारा साजिश ही पंजाब सरकार की है, क्योंकि उन्होंने इंतजाम किया नहीं सी। खज्जल खुआर हुंदे भी दिखाई देंदे ने। पंजाब तो इलावा जेकर गल करिए हरियाणे की, तां हरियाणे दे विच किसानां दा गुस्सा सतवें आसमान ते पहुंचदा दिखाई देंदा है। किसानां ने किसे नूं नहीं बख्शिया, भावें ओह हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होण, उन्हां दे घर दे बाहर भी पक्का मोर्चा किसानां दे वल्लों ला लिया गया है। वड्डी गिणती दे विच पुलिस फोर्स अते सुरक्षा बल तैनात कर दिते गए ने। करनाल दे विच जेकर गल करिए हरियाणा दे गृह मंत्री अनिल विज दी, तां उन्हां दे घर दे बाहर भी पक्का धरना किसानां दे वल्लों ला दिता गया है। अते अंबाले दे विच तां धक्का मुक्की भी होई, बैरीकेड्स भी किसानां दे वल्लों तोड़े गए अते हुण पक्का धरना ला लिया गया है। उत्थे लंगर चलन लग पिया है। जिनी देर तक हुण सरकारी खरीद शुरू नहीं होएगी उन्नी देर तक लगदा नहीं कि ये धरने हटणगे। हरियाणे दे विच भी यही माहौल है, पंजाब दे विच भी यही माहौल है, पर हरियाणा दे गृह मंत्री अनिल विज दे वल्लों किसानी अंदोलन ते एक बार फिर तो सवाल चुक दिते गए ने। वो कहिंदे ने कि किसानी अंदोलन दिन प्रतिदिन हिंसक हुंदा दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी दे देश दे विच हिंसक अंदोलन चलाउण दी इजाजत नहीं दिती जा सकती है। उन्होंने किसान अंदोलन दे आगुआं नूं इह सलाह दिती है कि अपने अंदोलन नूं काबू दे विच रखिया जाना चाहीदा है। इस तरह भावें हरियाणा होवे भावें पंजाब होवे, किसानां दे वल्लों पूरी तरह माहौल नूं भखा दिता गया है। एक पासे किसान गुस्से विच ने पर खज्जल खुआर भी बहुत ज्यादा हो रहे ने। पटियाला दी अनाज मंडी दीआं तस्वीरां सामने आईआं जिथे किसान झोना लैके पहुंच गए सन, पर अज मीह पै गया। मीह पैण दे नाल खुले असमान दे विच ही झोना पिया होया सी। मंडियां दे विच प्रोपर प्रबंध सरकार दे वल्लों नहीं कीते गए सन। किसानां ने यह इल्जाम लाया अते झोना भिज गया है। हुण जिन्हां किसानां दा झोना भिज गया है वह किस दे अगे गुहार लाउणगे, क्योंकि झोना तां भिज चुका है। इस करके दोनों सरकारां दे खिलाफ रज के भड़ास किसानां दे वल्लों कढ़ी जा रही है। सीधे तौर पर बदलाखोरी की पॉलिसी इत्थे किसानां दे वल्लों दस्या जा रहा है, पर पंजाब सरकार कह रही है कि साडे ही साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह शरारत की है। वह गए सन गृह मंत्री नूं मिल के आए ने अते उत्थे ही वह कुछ करके आए ने, जिस तों बाद केंद्र सरकार दे वल्लों पंजाब सरकार अते हरियाणा सरकार नूं चिट्ठी भेज दिती गई है। एक सवाल इत्थे असीं तुहाडे कोलों पुछ लैणा चाहुंदे आ कि केंद्र सरकार ने जिहड़ी झोने दी खरीद विच देरी करन दा ऐलान कीता है, तुहानूं की लगदा है कि इसदे पिछे कारण की हो सकदा है? पंजाब सरकार जिम्मेवार है, केंद्र सरकार जिम्मेवार, जां दोनों सरकारां जिम्मेवार ने, जां फिर जिवें प्रगट सिंह कह रहे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेवार ने? तुहानूं की लगदा है? जो भी तुहानूं लगदा है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। जेकर इसे तरह ही हर खबर नूं निरपक्षता नाल देखदे रहना चाहुंदे हो तां यूट्यूब ते पंजाब टीवी दे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लैणा। जेकर फेसबुक ते देख रहे हो तां पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली वार फिर हाजर होवांगा। तुसीं देखदे रहो पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।